गाजीपुर से आशीष सोनकर पत्रकार की रिपोर्ट। एसपी के नेतृत्व में किया गया खुद पेट्रोलिंग, 250 वाहनों का हुआ चलान। गाजीपुर शहर में गुरुवार की देर शाम एसपी रामबदन सिंह के नेतृत्व में फूड पेट्रोलिंग की गई। फूड पेट्रोलिंग के दौरान 250 वाहनों का चलान किया गया। जिले में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक शासन के निर्देश पर यातायात माह चलाया जा रहा है। इसी के तहत सदर कोतवाली के विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने फूड पेट्रोल किया गया। सदर कोतवाली से शुरू हुई फूड पेट्रोलिंग शहर के दर्जनों मोहल्ले से होते हुए हमीद सेतु तक किया गया, फिर उसी रास्ते से वापस होते हुए कोतवाली पहुंचा। इस संबंध में एसपी रामबदन सिंह ने कहा कि शासन के निर्देश पर कोतवाली से हमीद सेतु तक शहर में फूड पेट्रोलिंग की गई। फूड पेट्रोलिंग से अपराधियों में भय पैदा हो सके, इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि यातायात माह भी चल रहा है, जिसके तहत बिना हेलमेट के बाइक चला रहे 250 लोगों का चलान भी किया गया। इसके अलावा चार पहिया वाहनों पर लगी काली फिल्मों को भी हटाया गया। यह फूड पेट्रोलिंग बराबर चलता रहेगा। अचानक हुए इस चेकिंग से वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। इस अभियान में एसपी सिटी सीओ सदर ओजस्वी चावला, कोतवाली प्रभारी दीपेंद्र सिंह, यातायात प्रभारी अजय सिंह कसाना व पुलिस कर्मी रहे। आपके नेतृत्व में जो है पुलिस का भ्रमण है, किस तरह का भ्रमण था और क्या कहा है? क्योंकि ये प्रशासन के निर्देश है की फूड पेट्रोलिंग करे पुलिस से, जो अपराधी है उनके मन में लोगों में विश्वास आया, उसी के तहत फूड पेट्रोलिंग की गई और इसमें जो बिना हेलमेट के लोग चल रहे थे उनका चालान भी किया गया, तो कि ये ट्रैफिक मंथ मनाया जा रहा है, लगभग 250 लोगों का चालान। सर ये फूड पेट्रोलिंग जो है कहाँ से कहाँ? ये हमने लगभग आदेश ट्रैफिक की ये कोतवाली से शुरू हो करके और ये जो वीर अब्दुल मुनीर शेख जो है वहाँ पर गए थे।